जगर रहा है ये। जा मैं से ले लियो। दो मिनट की ठीक रहता। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से मकान में आग लग गई। लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ और मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तो चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। उसके पहले यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी नगर के बंसकार मोहल्ले में रहने वाले नितेश शिवचरण वंशकार एवं पूरन चंद बाबू लाल वंशकार के मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से मकान में आग लग गई एवं मकान में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के बताए अनुसार तेज बारिश के साथ अचानक आकाशीय बिजली गिरती दिखी, जिससे सामने रहने वाले नितेश शिवचरण वंशकार के मकान में आग लग गई। बिजली गिरते ही मोहल्ले में करंट का झटका लगा। बिजली गिरने की सूचना जैसे ही थाना प्रभारी को लगी, थाना प्रभारी दीपक राठौर ने तत्काल SI मान सिंह यादव, छक दिलीप धाकड़, राजा सुनेरी छक, रति राम अहिरबार, सरपंच अखिलेश पंथी, सचिव गोविंद सिंह राजपूत, पटवारी राम भरोसे मीणा ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौके मुआयना कर शासन से अधिक सहायता राशि दिलाए जाने का आश्वासन दिया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, छोड़ रहे हैं।